नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सभी सियासी दल अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही है। कोई विकास के सहारे सत्ता में आने की कोशिश में है तो कोई जातिगत समीकरण को तैयार करने में लगा हुआ है। तो वही कांग्रेस की नजर प्रदेश की आधी आबादी पर है, इसलिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर एक बड़ा दाव चल दिया है। गोरखपुर से लाल टोपी पर दिए गए पीएम मोदी के बयान पर सियासत अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अब लाल रंग को लेकर सियासत करने में लगी हुई है। क्या है सियासत में रंग की कहानी और क्या प्रियंका अकेले सियासी रण में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी, बताएंगे अपने खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में। वैसे तो प्रियंका कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब के इधर प्रियंका की नजर नारी शक्ति पर भी है। प्रियंका ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर एक बड़ा दाव चल दिया है। प्रियंका ने महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए कई घोषणाएं भी की हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर इस वक्त कई सवाल है। क्या प्रियंका गांधी अकेले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए 32 साल का सूखा खत्म कर पाएंगी और क्या प्रियंका कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत जनाधार वाली पार्टी बना पाएंगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। यूपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी अपने सबसे बड़े मिशन पर निकली है। ऐसा मिशन जिससे न सिर्फ कांग्रेस में जान फूंकनी है बल्कि उसे कोई जमीन भी वापस दिलानी है। इसलिए प्रियंका अलग अलग प्लान के सहारे सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। प्रियंका की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से सियासी जमीन पर मजबूत दिखाया जा सके। यूपी की चुनावी लड़ाई भले ही भाजपा बनाम सपा के बीच दिख रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी को कोशिश हाथ को मजबूत कर इसे त्रिकोणी बनाने की है, क्योंकि 32 साल का सूखा खत्म करने की जिम्मेदारी प्रियंका ने अपने कंधों पर ले रखी है और इसे पूरा करने के लिए प्रियंका आधी आबादी पर दांव चल रही है। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। दरअसल प्रियंका ने जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में डेरा डाला है, तब से भले ही प्रियंका ने यूपी के वोटरों के सामने अलग अलग प्लान रखा हो, लेकिन इस वक्त प्रियंका गांधी महिलाओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। महिलाओं के लिए पहले ही 40% टिकट का ऐलान कर चुके प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी कर एक बड़ा दांव चला है। अपने इस घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी में आशा बहुओं के लिए प्रियंका गांधी ने सरकार बनने के बाद न्यूनतम 10,000 वेतन देने की घोषणा की है। साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण का भी ऐलान किया है। घोषणा पत्र में 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई है। शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को शाम में पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं को केंद्रित कर रोजगार चेन बनाने की भी बात घोषणा पत्र में की गई है। यूपी में स्नातक में नामांकित छात्राओं को स्कूटी देने की भी बात कही गई है। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दी जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए हर थाने में महिलाओं की तैनाती की जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मनरेगा में महिलाओं को
प्राथमिकता देने की बात कही गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सहायता समूहों को 4% पर लोन की व्यवस्था की बात कही गई है। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में गरीब परिवार को मुफ्त में इंटरनेट देने की घोषणा की गई है। पुलिस में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने की बात कही गई है कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय इलेक्शन के समय ऊपर आती है उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। प्रियंका गांधी जहाँ एक ओर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के ऊपर सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी आधी आबादी को कांग्रेस के वोटर के तौर पर परिवर्तित करने में लगी हुई है, क्योंकि साल 2017 में महिलाओं के वोट के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत दर्ज की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को साइलेंट वोटर बता चुके हैं। महिलाओं का वोट कब किसके पक्ष में जाएगा ये बता पाना बेहद ही मुश्किल होता है, इसलिए प्रियंका इस साइलेंट वोटर को कांग्रेस के लिए सुरक्षित करना चाहती हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। जिस तरह से प्रियंका महिलाओं पर दाव चल रही हैं उससे तो एक बात साफ है कि प्रियंका गांधी एक नई राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसे दूसरे राजनीतिक दल अब तक बचते चले आ रहे हैं। लेकिन क्या इससे यूपी में कांग्रेस का 3 दशक का सूखा खत्म होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जितना लोगों को जोड़ नहीं पा रही हैं उससे ज्यादा पार्टी के नेता उन्हें छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रियंका अकेले यूपी में कुछ बड़ा कर पाएंगी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था जिसके बाद भी कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वो कांग्रेस जो इस वक्त हारशिप में चली गई है, क्या अब प्रियंका पार लगा पाएंगी कांग्रेस की नैया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को छोड़कर इस वक्त रंगों पर सियासत की जा रही है। गोरखपुर से प्रधानमंत्री के लाल टोपी पर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। जहां भारतीय जनता पार्टी इस बयान के भुनाने में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बयान को जनता के सामने अपने तरीके से पेश कर रही है। और अब रंग की सियासत आगे बढ़ते हुए तो संसद तक जा पहुंची है। आखिर विधानसभा चुनाव में यह रंग वाली सियासत कहां तक जाएगी, देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजनीति में आरोपों का टोपी ट्रांसफर हो रहा है। समाजवादी लाल टोपी पर बीजेपी लाल पीली हो रही है। नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव की लाल टोपी में खतरे का सिग्नल दिख रहा है कि लाल टोपी वालों को
लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। यूं तो राजनीति में टोपी पर हमेशा टक्कर होती रही है, टोपी को प्रतीक बताकर खूब प्रहार होते रहे हैं, लेकिन इस बार यूपी के चुनावी रंग में टोपी वाली यह लड़ाई कुछ अलग ही रंग दिखा रही है। याद कीजिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो टोपी पर बयान जो उन्होंने प्रयागराज में चंद दिनों पहले दिया था। 2017 के विधानसभा सभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल दीवार पर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा करने को शिकायत करने भी मन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? वैसे नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं लिया था, मतलब सब समझ गए कि इशारा किस ओर था, और नाम तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी नहीं लिया तो क्या हुआ, मतलब समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की धरती से लाल रंग को उछाला है, तब से समाजवादी पार्टी के सभी नेता लाल हुए घूम रहे हैं। अब नतीजा ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता संसद में भी लाल रंग की टोपी पहनकर गांधी जी की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लाल रंग तो हमारे ट्रैफिक का भी वो सावधान करता है कि आप आगे ना बढ़ें। लाल रंग तो एम्बुलेंस में भी है, कहीं ना कहीं मदद कर रही है। समाजवादियों की सरकार में जो एम्बुलेंस चली है वो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है। जब जरूरत पड़ती है तो फायर ब्रिगेड किस रंग में आती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से हट करके जानबूझ करके बहस इस तरफ ले जाना चाहती है। जाहिर है तेरी मेरी टोपी की लड़ाई अभी और आगे बढ़ती रहेगी। टोपी के बहाने ब्रांडिंग को तोला और तोड़ा मरोड़ा जाएगा, और यूपी की सियासत में अभी यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में जारी सियासी खींचतान के बीच गोंडा के लोगों का इस चुनाव को लेकर क्या कहना है, और वो 2022 विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, देखिए। 2022 को लेकर के चुनावी रण में सभी पार्टियां अपना भाग्य आजमाने के लिए उतर रही हैं। ऐसे में चुनावी माहौल अब गर्म हो चला है। ऐसे में हम गोंडा के सदर क्षेत्र के और यहाँ खुरासा में हैं, और वहाँ के लोगों से जानते हैं, जो कि ये है कि मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पर जब चुनाव आता है तो अल्पसंख्यक समाज को लेकर के सभी पार्टियाँ अपना जोर लगाती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो किस बिंदुओं को लेकर के 4.5 साल का योगी सरकार का जो कामकाज रहा है उसे कैसे देखते हैं, और साथ में केंद्र की सरकार का भी, और उनकी क्या अपनी अपेक्षाएँ रह गई हैं या क्या उम्मीद है कि 2022 में क्या होगा। भाई साहब आप बताएंगे कि इस आप एक मुस्लिम वर्ग से आते हो आप लोग, तो क्या है आपके दिमाग में इस बार? हमारे दिमाग में सपा सरकार बनेगी, सपा को हम लोग वोट करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार तमाम काम जो किए हैं, काम करने के बाद में जो ये खाली फीता काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, बाकी और विकास का कोई इनके पास मुद्दा नहीं है कोई। भाई साहब आप बताएंगे क्या है, कौन से मुद्दे होंगे इस बार 2022 में, क्या देख रहे हैं आप? इस सरकार में सभी लोग तो परेशान हैं, सभी लोग बेहद परेशान हैं। किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है, जो सुबह जाए रखाने बेटा और शाम को जाए बाप, सबसे ज़्यादा तो किसान बेहद परेशान है जानवर से, छुट्टा जानवर से। और आने वाली सरकार जो है लगे रहा है सभी को आगाह है कि सपा की सरकार बनेगी, यही हमें कहना है। क्या लग रहा है? ये तो राजनीतिक लग रहा है, राजनीतिक पहलू है, और ये तो लग रहा है कि सपा ही आएगी। जी भाई साहब आप भी बताएं चाचा, क्या लग रहा है आपके? मतलब कि रखाई थे दिन भर खेतों में साँड रखाई थे, जब से ही सरकार आई है पूरा दिन जाओ मतलब साँड रखाओ, 30-35 बीघा खेत है, सब चौपट है। अच्छा ये बताइए, जो 3 तलाक का सरकार ने फैसला लिया उसका कुछ लाभ हुआ क्या? कौन लाभ हुआ, मैं सही मतलब वो हदीस जनते ना आई है, कौन लाभ हुआ
तीन तलाक मतलब ऐसे ना होते मुसलमान। अच्छा आप बताइए, सरकार की जो योजनाएं हैं योगी सरकार की, अब केंद्र की सरकार की, उसका कुछ लाभ आपको पहुंचा सर, जैसे आवास उवास मिला? कुछ नहीं लाभ मिला, कोई लाभ, ये सब फर्जी है, कागज में लिखा था और जमीन में नहीं उतार पाती। तो इस बार 2022 में कैसे देखते, क्या मुद्दा रहेगा 2022 में अखिलेश यादव को हम लोग? किस लिए, कोई मुद्दा है? हाँ मुद्दा है, वो विकास के तरफ जा रहे हैं। भैया कुछ बताएंगे आप, क्या लग रहा है 2022 की क्या गणित थे चुनावी गणित? सपा आ रही है, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव आएंगे तो ऐसा क्या है जो इस सरकार में नहीं हुआ? और इसका काम अगले, यानी वो अच्छा काम किए थे, फिर यानी वो आएंगे काम अच्छा। तो गए क्यों थे जी 2000? अब यही मुद्दा है अपना, यानी मंदिर मस्जिद ये सब मंदिर मुद्दा लेके अपना, यानी अब तो अखिलेश भी मंदिर जा रहे हैं। अरे तो जाते हैं, कौन है, हम मस्जिद नहीं जाते हैं जी। भाई साहब आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा जो लोगों की, क्योंकि गोंडा क्षेत्र है, अल्पसंख्यक समाज क्या सोच रहा है, मुस्लिम वर्ग के लोग क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। आज के टाइम का जो है मुद्दा वो है महंगाई। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, काला धन तो आया नहीं वापस, और इस सरकार में लूट घसोट, पुलिस की गुंडागर्दी ज़्यादा, पुलिस को पावर ज़्यादा दिया गया, कोई अधिकारी की कहीं भी कोई भी काम होगा कोई अधिकारी से सुनवाई नहीं, बिना पैसा दिए कोई काम होगा। कानून व्यवस्था की बात होती है, सरकार बड़ा अपने बात अंदाज में कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत सही है, तो क्या लग रहा है आप? कानून व्यवस्था जो है यहाँ की चरमराई हुई है पूरी तरह से, लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, भाई यही चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार बढ़े, लोगों को जो है रोज़गार मिले, शिक्षा हो, विकास हो, ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं जिससे सबका भला हो। युवा भी हमारे बीच में, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानेंगे। भैया बताओगे क्या है आपका मुद्दा एक युवा होने के नाते? मेरा ये है महंगाई, पहले रहा मतलब दाल वाल इतनी रुपये में ले लेते थे 20 रुपये में, अब है तो 25 रुपया पाव है, इसीलिए तेल इतना महंगा है। और आप एक शिक्षक एक क्षेत्र में हो, आप स्टूडेंट हो, तो और क्या चाहिए आपको? आपको क्या लगता है कि सरकार ने क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, या आने वाली सरकार जिसे आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या लगता है? मुझे ये लगता है आने वाली सरकार अब कैसे महंगाई है, मतलब मुद्दा महंगाई का। भैया आप बताएंगे क्या बिंदु है जिसको सरकार ने नहीं छुआ, या किसी और को आप उसकी जगह पर देखते हो कि अखिलेश आएंगे तो करेंगे, या योगी कर सकते हैं? योगी आज तक तो कुछ किए नहीं, अखिलेश से जब सरकार थी तो अखिलेश तो बहुत किए, गरीब के बहुत सहायता की। अभी क्या है कि जैसे मोदी का है, योगी का सरकार है, योगी का सरकार में जो साँड़ छोड़ दिए, किसान परेशान है, खेत सब खत्म हो रहा है एकदम से, कुछ तो ऊपर वाले ख़त्म कर रहे हैं, कुछ तो जानवर ख़त्म कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ अखिलेश के रहने से बहुत फ़ायदा है। और ये कोई भी सरकारी योजना का या कोटा, जैसे अनाज मिल रहा है या क्या, वो भी अनाज मिल रहा है तो अनाज तो आधा ज़्यादा तो प्रधान खा जाते हैं, प्रधान अनाज ज़्यादा खा जाते हैं, प्रधान देते हैं, योगी और मोदी आधा देंगे पूरा, तो प्रधान उसमें से आधा कर देंगे, प्रधान क्या देते हैं, योगी किए राशन देने के लिए गरीब का सब शौक लगती है, मगर क्या है कि सब प्रधान आधा ज़्यादा खा जाते हैं सब। तो नाराज़गी किससे है? नाराज तो आप कहा है कि यही प्रधान जी से है, प्रधान के ऊपर सख्ती करें बस, और क्या है। कुल मिला के खुरासा की जो जनता है, जो अल्पसंख्यक समाज के हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका मानना है कि जैसा कि सरकार मौजूदा सरकार की कई नीतियां आई लेकिन वो इनके स्तर पर जो है वो उनके लिए काम नहीं हो पाया है, वो पूर्ववर्ती सरकार में अखिलेश यादव की सरकार को चाहते हैं। अब ऐसे में 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के जो तल्खियाँ तेज़ हो चुकी हैं और परिणाम और अभी आगे जो है चर्चा जारी रहेगी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, और हम आगे का अपडेट भी आपको हर जिले से पूरे जिले में दिखाते रहेंगे कि आगे का जो चुनावी माहौल है वो क्या है। गोड़ा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज, नमस्कार।